देश में महिलाओं पर होने वाले अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों की माने तो महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ रहा है, जिसमें सबसे ऊपर रेप ही है, जिसके मामले हमें हर दिन सुनाई देते हैं। इन मामलों में कुछ ऐसे मामले भी हैं जो देश भर में चर्चा के विषय रहे। 2012 निर्भया कांड के साथ ही हैदराबाद कांड, हाथरस कांड का नाम भी लिया जा सकता है। हालांकि निर्भया कांड के बाद बलात्कार से संबंधित कानूनों में कुछ बदलाव भी किए गए। आज इस वीडियो में हम आपको रेप केस में सजा के प्रावधानों से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताएंगे। इससे पहले कि हम आपको रेप के मामलों में सजा से जुड़े प्रावधानों की जानकारी दें, पहले जान लेते हैं कि कानून की नज़र में रेप क्या है। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना, महिलाओं की सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना, स्त्री को ब्लैकमेल करके शारीरिक संबंध बनाना, यौन संबंध के लिए महिला की सहमति शादी का झांसा देकर हासिल की गई हो, स्त्री को नशे में या ऐसी अवस्था में जब वह परिणामों से अनजान हो, सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग से अस्वस्थ होने की स्थिति में उससे शारीरिक संबंध बनाना रेप की श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि किसी भी महिला से बलात्कार किया जाना भारतीय कानून के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय कानून में घटना को अंजाम देने वाले दोषी के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए इंडियन पीनल कोड में धारा 376 के तहत सजा का प्रावधान है। दोषी पाए जाने पर अपराधी को कम से कम 7 साल की कठोर कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बताते चले कि पति द्वारा पत्नी की सहमति के बगैर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना भी रेप की ही श्रेणी में आता है। मैरिटल रेप में आरोपी को 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। हालांकि कई मामलों में कोर्ट पर्याप्त और विशेष कारणों में सजा कम भी कर सकती है। 2012 में देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए थे। देश ने उस समय रेप के दोषियों की सजा को कड़ा करने की जरूरत महसूस की। आम नागरिकों के भारी दबाव के चलते संविधान संशोधन किया गया और IPC की धारा 376E के तहत बार बार बलात्कार के दोषियों को उम्र कैद या मौत की सजा का प्रावधान कर दिया गया। रेप केस में हालात और श्रेणी के अनुसार सजा को सेक्शन 376, 376A, 376B, 376C, 376D, 376E के रूप में अलग अलग विभाजित किया गया है। 376A, कोई ऐसा दंडनीय अपराध करेगा जिसके दौरान स्त्री को शारीरिक हानि हो या फिर कृत्य के दौरान स्त्री की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में 20 साल का कठोर कारावास, जिसकी अवधि 20 साल से कम नहीं होगी, इसमें मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। 376B, यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के विभाजन के तहत अलग रहने के दौरान अपनी पत्नी के साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध संभोग करता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में ही आता है, जिसके लिए कानून में 2 वर्ष तक की सजा और आर्थिक दंड का प्रावधान दिया गया है। 376C, किसी अस्पताल के प्रबंधक या कर्मचारी या किसी अन्य सदस्य द्वारा अस्पताल में किसी स्त्री के साथ रेप करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो एक नज़र में रेप के इन मामलों को इस धारा के तहत दंडनीय माना गया है। जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार, किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा बलात्कार, जेल, सुधार गृह, विधवा गृह या फिर इसी तरह की किसी संस्था के कर्मचारी द्वारा बलात्कार, या किसी रिश्तेदार, संरक्षक या फिर शिक्षक के द्वारा या सहमति के बिना किसी स्त्री से बलात्कार, इतना ही नहीं किसी सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्कार, किसी गर्भवती स्त्री से या मानसिक या शारीरिक अस्वस्थ किसी स्त्री से बलात्कार, या फिर बलात्कार करते समय स्त्री को गंभीर शारीरिक हानि पहुंचाना या विकलांग बनाना। जब कोई इन परिस्थितियों में किसी स्त्री से बलात्कार करता है तो दोषी को कम से कम 10 साल का कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, और बहुत गंभीर मामलों में मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। 376D, जहां स्त्री किसी के साथ एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर या समूह बनाकर सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो उन सभी व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्कार का अपराध किया है। ऐसे में दोषी अपराधियों को न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा, जो कि 20 साल की कारावास की सजा या आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने के साथ भी दंडित किया जाएगा। लेकिन ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित होगा।
376E भारतीय दंड संहिता की धारा 376E के अंतर्गत जो कोई धारा 376 या धारा 376A या धारा 376B या धारा 376C या फिर धारा 376D के अधीन दंडनीय अपराध पहले भी बलात्संग जैसे मामले में दोषी सिद्ध हो चुका था अर्थात पुनः उसी अपराध को कारित करता है तो वह आजीवन कारावास जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के शेष बचे नैसर्गिक जीवन से है अथवा मृत्यु दंड से भी दंडित किया जाएगा। आज से 5 साल पहले यानी 2017 की एक रिपोर्ट में क्वालिटी नाउ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बलात्कार को लेकर मिलने वाली सजाओं के बारे में अपनी बात रखी थी। उस रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लिसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका और तंजानिया में पति द्वारा किए गए बलात्कार पर कोई कठोर कानून नहीं है। कुछ देशों में तो यह पूरी तरह से कानूनी तक माना गया है। हमारे देश का ताना बाना बड़ा ही अजीब है। सामाजिक शर्म और दबाव के चलते कई बार इस तरह के मामले सामने ही नहीं आते। पीड़ित की जुबान बंद रहती है। कई महिलाएं ऐसी होती है जो घरेलू उत्पीड़न की शिकार होती है लेकिन उनकी जुबान नहीं खुलती। कई इस तरह के मामले भी सामने आए हैं कि पीड़िता पर आरोपी से शादी का दबाव रहता है। जैसे बहुत से मामलों में आरोपी इसीलिए भी सजा से बच गए कि उन्होंने बलात्कार पीड़िता से ही विवाह कर लिया। वहीं रेप से जुड़े कई मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाया जाता है जहां मामलों पर जल्दी सुनवाई होकर सजा दी जाती है। ढेर सारे आरोपियों को दोषी सिद्ध होने पर पॉस्को एक्ट के तहत सजा दी जाती है। तमाम सख्त कानून के बावजूद देश में रेप की घटनाएं रुक ही नहीं रही है। खासतौर पर नाबालिगों पर अत्याचार लगातार बढ़ ही रहा है। माना जा रहा है कि यदि रेप संबंधी कानूनों को और सख्ती से लागू किया जाए तो इन पर पाबंदी लगाई जा सकती है।